यार मेरा ना पंचर हो गया डेली कैंडलो घुस पे ही। अगर कभी हमारा ब्लॉगर बंदा बड़ा आदमी बन गया यूट्यूबर तो फिर ये बाद में जाएंगे सारी। अच्छा ट्रक खड़ा है, मैं कह रहा साइकिलिस्ट है। यार मेरा ना पंचर हो गया डेली कैंड में घुसते ही। हाँ एक बंदा मिस हो गया। वो ज्यादा कॉपीराइट आया था। नहीं तो जी गर्व का हो गया पंचर और तकरीबन सारे लोग निकल गए थे, मैं पूरा मैम और सेठ भाई बचे। तो अब हम कैचअप करेंगे 11 मूर्ति पे और लोगों से, या मैं भी धौलक वहाँ पे रुके हूँ वो आगे चल के पता चलेगा। और ये पैच क्या मस्त लग रहा है, मज़ेदार, यानी धूप होने वाली है और मौसम ज़बरदस्त है आज के ब्लॉग के लिए। Here comes the entire group. और आज हेडविंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। वेलकम टू दिल्ली। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम मस्त हो रहा है। इधर देखो जैसे धूप निकलने वाली है और इधर देखो तो बारिश होने वाली है और हवा वाह ऐसी पड़ रही है ना मुंह पे, कुछ नहीं कह सकते। और सच में आज प्लेलिस्ट पे गाने भी ना मौसम के अकॉर्डिंग ही चल रहे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। इधर देखो कुछ होने वाला है और इधर देखो कुछ भी नहीं होने वाला। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पुराना किला रोड, पता है ना रास्ता से, आप मत जाइयो गलत। चलो भाई पुराना किला रोड वही थी यहाँ से जाएंगे। हम गए थे। अबे भाई साहब गाना बता कौन सा आ रहा है, दो घुट मुझे भी पिला दे शराब भी। क्या मतलब है सुबह सुबह ये गाने चलाने का, ऐप वाले पागल हो चुके हैं। और आपका स्वागत है नए इंडिया गेट में, कतई ही कंस्ट्रक्शन साइट, बिल्कुल ही जांच परख के लिए हमने ऊपर से ग्लव्स। हाँ दो घंटे बाद छोले भटूरे की लाइन में होते हैं। अरे अरे भैया दो मुझे दिख रहा है कि सारे स्लो हैं। तो ये हम आ रहे हैं आईटीओ प्रगति मैदान वाले रास्ते से, पीछे से मिट्टी खाने के लिए तैयार। थोड़ा सा रिस्की अपोजिट रोड पे जाना पर एक्चुअली आगे से यू टर्न बहुत आगे से, तो शॉर्टकट लिया था। देखो आई थिंक और लोग आ रहे आगे से, इट वॉज बैड क्योंकि मैं उल्टा आ रहा हूँ। आई थिंक मुझे ऊपर ही चलना चाहिए। आईपी पार्क तो ये है, लोग कहाँ चले गए, लोग आगे से यू टर्न लेके आ रहे हैं। ये है इंद्रप्रस्थ पार्क। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉगर बंदा। तो आज हम आए हैं नई जगह पे इंद्रप्रस्थ पार्क और तकरीबन 15 से 18 राइडर्स हैं जो आपने फुटेज में देख लिया होगा। तो रूट तो हमारा बहुत सिंपल था और मौसम अभी भी बहुत ऑसम है। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी हो क्योंकि बीच में मिट्टी बहुत आई, मिट्टी खानी पड़ी। तो ये रही क्विक सिल्वर और ये रहा गेट। और आई थिंक मुझे रास्ते में थोड़ा कन्फ्यूजन था तो मैं यहाँ से अपोजिट साइड से आ गया, तो पहले आ गया और अभी लोग पीछे से आ रहे हैं तो बस वेट करेंगे क्योंकि वो आगे से एक यू टर्न लेके आते हैं। तो हम प्रगति मैदान की तरफ से आते हैं इसलिए हमें उधर से अक्षरधाम वाला कट है उस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेके आना पड़ता है। तो बस वेट करेंगे और लोगों का। तो हुआ ये है कि कुछ लोग आगे और कुछ लोग पीछे और हम शायद पहले चले गए और अब हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसी जगह जाना, वो
और आप प्रांजल भाई अपना। तो फिलहाल हम गेट नंबर 4 पे थे और लोग आगे वाले गेट पर आ गए थे, बस अब निकल रहे हैं, सॉरी अंदर चल रहे हैं। पधारो मारे देश। तो हम जा रहे हैं वो स्तूप के पास। किसके पास? स्तूप, स्तूपा कहते हैं ना उसे, स्तूपा। और मौसम अभी भी ऑसम है, पर हसीना नहीं है, हसीन के साथ हसीना नहीं है, हसीना और हसीना नहीं है, गलत बात है। अगर कभी हमारा ब्लॉगर बंदा बड़ा आदमी बन गया यूट्यूबर तो फिर ये बाद में जाएंगी सारी हसीना पर हसीना। और प्लीज कॉल गौतम तिवारी, वो आ रहा था शायद। कौन? गौतम तिवारी। साइकिलों के ग्रुप में ऐसा कोई बंदा नहीं है, हम उसे नहीं जानते। बाइक से आएगा, सो सॉरी। चार्ली का नहीं, असली नाम चार्ली है। चार्ली का असली नाम नहीं, कुछ और मुझे पता है, कुछ राहुल है शायद। इसका नाम चरलिंदर है तो इसने शॉर्ट में चार्ली कर लिया। चलो यार, चलो। यू गॉट मी मैन। स्वैग है, स्वैग है। पांच सौ के दिन और अब यह चल रहा है जर्सी शू। अगर दोनों पीछे अरे रिकॉर्ड हुए, बहुत गलत बात होगी। अरे एक नंबर आई है, अरे वाह, वाइट में खींची है। गिरने को आई है, ये बड़ा गिरा हुआ आदमी है भाई। भाई अब हमारी है ना फोटो सबकी। यस सर, आपके लिए हमने दो दिन शूट पे। हाँ हाँ, चलो पोज आ जाओ। शिखर खिलाएगा? शिखर और विमल की बातें हो रही है, मैंने शिखर सुना। आज हम राइड के बाद आए हैं नाश्ते के लिए कर्नाटक भवन। ये मोती बाग के पास पड़ता है, फ्लावर से जस्ट लेफ्ट होगी अगर आप इंडिया गेट की तरफ से आ रहे हो। आगे लोकेशन आप गूगल सर्च करेंगे तो फेमस जगह पता चल जाएगा। चलिए चलते अंदर। तो अब यहाँ से कुछ ज़्यादा रास्ता नहीं है, वापसी घर को ही जाना है। तो अब मिलते हैं सीधा घर पे।